कि हमारे लीड कपल यानी कि ड्रामे का हीरो नांग फेंग और ड्रामे की फीमेल लीड सी दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और उसके बाद इसी यहीं पर कट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सी नांग फेंग का टाई बांध रही होती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम कहीं डेट पे चले साथ में मूवी देखने या फिर डिनर डेट पे। ये सुनने के बाद नांग फेंग बोलता है पैसा बताओ। ये सुनने के बाद सी बोलती है तुम्हारा मतलब, तभी नांग फेंग बोलता है पैसा बताओ मेरी शादी होने वाली है और हम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो सी थी वो थोड़ा सा रुक जाती है और उसके बाद वो बोलता है इतने ज़्यादा शौक क्यों हो रहे हो, हम इसीलिए तो साथ में थे ना, भूल गई। और उसके बाद हम 3 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सी पैसों की ज़रूरत की वजह से वो नांग फेंग की लाइफ में आई थी और उसने उस टाइम पर उसे अपनी लवर बनने के लिए ऑफर किया हुआ था। तब से लेकर आज तक वो उसकी लवर, कहने के लिए लवर बस उसकी ज़रूरत की चीज़ बन गई थी। जब भी मन चाहा वो उसके पास आ जाता था, उसके साथ नाइट स्पेंड करके निकल लेता था, वही वाली जरूरत मतलब इस तरह की लवर वो बनी हुई थी। अभी वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सी ये सब कुछ याद करती है और वो बोलते कि हाँ मुझे याद है हम दोनों के में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डोंट वरी मैं तुम्हें और टिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ऑल द बेस्ट, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे वो कार्ड देता है, वो मना कर देती है। तभी नांग में बोलता है ऐसे मत दिखाओ कि जैसे तुम बहुत बेचारी हो या फिर तुम पैसों के लिए कुछ नहीं करती, तुम पैसों के लिए 3 साल तक मेरे साथ सो सकती हो तो क्या नहीं कर सकती, चुपचाप ले लो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मैं ऐसा फील करूँगा कि मैं किसी लड़की को पे करके अपने आप को शेयर कर रहा था, अब ऐसा कुछ ख़त्म हो गया, बोल के वहाँ से चला जाता है। सी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि सी के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था शायद वो नांग फेंग को लाइक करती थी। तो इस तरह से ये कहानी स्टार्ट हुई, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में ली जियांग को दिखाया जाता है। ली जियांग यानी कि जो नांग फेंग है उसके असली वाली फियांसी जो सी के पास आती है और उसके बाद सी अपना सारा सामान बांध के घर से निकल रही होती है और उसे बोलती है आर यू श्योर तुम्हें बीच में कुछ नहीं, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। सुनने के बाद जो सी ये वो बोलती कि नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है, जब 3 साल पहले मैं उसकी लाइफ में आई थी तो मैं उसके बस देर तक आ सकती, उसके दिल में नहीं, और तुम्हारा जगह हमेशा उसके दिल में था और अभी ये सब कुछ खत्म हो गया तो मैं वो बंद कर लूँगी, तुम टेंशन मतलब बोल के वहाँ से वो चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ से एक सामान गिर जाता है। तो हम देखते हैं जो लियांग थी वो उस सामान को चेक करती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कस्टमाइज पेंडेंट था जो उसने स्पेशली जो नांग फेंग था उसने सी के लिए बनाया हुआ था। इसका रेट वो किसी को कॉल करके पूछ लेती है जो करोड़ों का था। सुनने के बाद उसे थोड़ा सा ये बात उसके दिल में चुप जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो नांग फेंग होता है वो ऑफिस में था सी को जलाने के लिए, सी को तकलीफ देने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें करने की ट्राई कर ही रही होती है जिससे सी को बुरा लग रहा था। लेकिन सी अपने अंदर की फीलिंग को छुपाने में एक्सपर्ट थी जिस बात की वजह से वो कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही होती है। और उसके बाद इवन मीटिंग में भी ये सब कुछ चल रहा होता है। तो हम देखते हैं सी जब अपना सामान लेके जा ही रही होती है ऑफिस से तो उस टाइम पे लियांग उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें कुछ दिखाना था। और उसके बाद यहाँ पर नांग फेंग भी उसके साथ होता है। तभी यहाँ पर नांग फेंग का असिस्टेंट जान आता है और उसके बाद जो जेन होता है वो उसे एक बॉक्स देता है जो उसका गिर गया था और वो बोलता है कि ये बॉक्स ने आपको दिया हुआ था ना तो रखो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि जब आपका बस मेरे साथ नहीं तो इस गिफ्ट का मैं क्या करूँगी, इसको फेंकवा दो गार्बेज में, बोलती है। और उसके बाद ये सुनने के बाद तो नांग फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता बिल्कुल भी कि हाँ मुझे गुस्सा आया है। और उसके बाद सी को जो लियांग थी वो बोलती है तुम 3 साल से उसके साथ थी और इतनी रूठ कैसे बन सकती हो, ऐसा वो बोल के उसे डांट रही होती है। और उसके बाद सी ही बोलती है कि मैं ऐसे पुराने गड़े हुए मुर्दे को खाने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम और तुम्हारा फियांसी इंजॉय करो, मजे करो, शादी करो, जो भी करो, लेकिन मुझे अपने आप में इन्वॉल्व मत करो, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नांग फेंग ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। और उसके बाद उल्टा जो जेन था जब नांग फेंग को डांटता है तो नांग फेंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई और कैसे मुझे सुना सकता है, ऐसा उसको लग रहा होता है। और उसके बाद जो लियांग होती है वो किसी को कॉल करती है, शायद ए सी का हाई स्कूल का फ्रेंड था या फिर उसका सीनियर जो सी को बहुत पसंद करता था, इसी बात की वजह से उसे कॉल में ये बोल रही थी कि तुम्हें तो सी बहुत पसंद थी ना, तो आज रात वो एक पार्टी में आ रही है तो अपना
फ़ायदा उठा लो। और उसके बाद हम देखते हैं सीधा रात वाला सीन, जहाँ पर सी एक पार्टी में थी, जहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जिनमें से वो बंदा भी आया हुआ था जो उसका हाई स्कूल का सीनियर हुआ करता था। सी को बहुत ज़्यादा नशा कराता है और उसके बाद सी का फ़ायदा उठाने की ट्राई करता है। सी अपने आप को बचाते बचाते बाहर की तरफ निकलती है, जहाँ पर वो सीधा नांगफेन से टकराती है। नांगफेन और यहाँ पर लियान साथ में कपल्स बन के कॉल पर आए हुए होते ही थी। उसको ऐसे देखने के बाद तो जो नांगफेन था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो प्रिटेंड नहीं करता कि मुझे गुस्सा आया है। और तभी यहाँ पर आग में घी डालने का काम कौन करती है? लियांग। वो बोलती है कि तुमने तो उसे छोड़े हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, फिर से तुम किसी और को ढूंढने के लिए निकल गई, क्या बात है, तुम मर्दों के बगैर रह नहीं पाती क्या? बोल के उसका ऐसे मजाक बनाने लग जाती है। सी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बस यही पूछती है नांगफेन से कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नांगफेन बोलता है नहीं, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और सी को तो उल्टा उस वो जो बंदा होता है उसे बहुत जोर से तमाचा भी लगा देता है। काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम था सी के लिए। और उसके बाद जैसे नांगफेन वहाँ से चला गया, उसके बाद सी को वो बंदा उठा के अपने कार में ले जाता है। सी को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और नांगफेन तो उसके तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे काफ़ी बुरा लगा। और उसके बाद जैसे नांगफेन वहाँ से चला गया, उसके बाद तो वो जो बंदा था वो सी को उठा के कार की तरफ ले जाने लगता है। सी इस बार बिल्कुल भी कोई भी ऐसे रेस्पॉन्स नहीं करती कि जैसे कि उसे फर्क पड़ रहा है। जैसे वो उसके कार में चली जाती है, उसके बाद वो उस बंदे का हाथ काटती है और उसके बाद वहां से काम। और हम देखते हैं यहाँ पर एक और कैरेक्टर सी एक बंदे की गाड़ी के सामने ऑलमोस्ट टकरा गई होती है। और उसी टाइम पे जेन जो बंदा था वो आके सी को परेशान करने लगता है, लेकिन गाड़ी के अंदर से निकलता है हमारे ड्रामे का सेकंड मेल लीड जिसका नाम साओसोंग होता है। साओसोंग को देखने के बाद वो बंदा शौक में आता है और बाद में पता चला ये बंदा साओसोंग को अच्छी तरह से जानता था। वो बोलता है कि क्या बात है मिस्टर साओसोंग, तुम वापस आ गए, जहाँ तक मुझे याद है 2 साल पहले नांगफेन ने तुम्हारे हाथ तोड़ दिया हुआ था, तो अब ठीक तो हो गए हो ना, ऐसा वो बोल के मजाक उड़ा रहा होता है। और तब हमें पता चला जो साओसोंग है वो लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था और नांगफेन से रिश्ता तय होने के बाद लियांग ने उसे छोड़ दिया हुआ था। और ये सुनने के बाद साओसोंग बोलता है कि हाँ अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास अभी चली गई है, तो मैं क्यों ना नांगफेन की एक्स गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके उससे बदला ना लूँ इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ और पैर तोड़ यहाँ से दफा हो जाऊँ, ऐसा वो बोल लेता है। ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा कपड़ा के वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साओसोंग था ओ सी को बताए तुम ठीक तो, लेकिन वो अभी वो बोलने की हालत में नहीं थी और वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिस बात की वजह से साओसोंग अभी सी को हॉस्पिटल के लिए लेके चला जाता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल चले जाने वाला था, तभी नांगफेन और ये जो लियांग है वो दोनों उससे देख लेते हैं। और लियांग बोल रही थी कि क्या बात है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अभी मेरे अभी प्रेजेंट फियांसी के एक्स गर्लफ्रेंड को ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे बोल के उसका मजाक बना रही थी। लेकिन साओसोंग इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो जो सी है उसे हॉस्पिटल के लिए लेके चला जाता है। और बाद में जो लियांग होती है उस बंदे को जाके बहुत ज़्यादा अच्छी खासी उसकी क्लास लेने लगती है, क्योंकि उसने ऑर्डर कुछ और चीज़ के लिए दिया हुआ था और वो उस चीज़ को बिल्कुल भी पूरा कर नहीं पाया था। सो हम देखते हैं अब अगले सीन में साओसोंग हॉस्पिटल पे होता है और उसी के साथ होता है सी। जब अपने आँखें खोलती है तो वो उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाती है। बाद में पता चला साओसोंग जो होता है वो एक बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी था। वो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आए तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसी ने अगर फोटो लिया होता तो तुम्हारे इमेज के लिए अच्छा नहीं है? सुनने की बात साओसोंग उसे बोलता है रिलैक्स, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, तुम ठीक हो, सबसे बड़ी बात वो है और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ और दो सिंगल लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते क्या? अगर लोग कुछ लिखेंगे तो लिख नहीं देना, मैं हैंडल कर लूंगा, मेरा पीआर टीम है, बोल के वो ऐसे मजा कर रहा था। साओसोंग को देखने के बाद ये स्माइल करती है, वो उसे बोलता है तुम स्माइल करती हो प्रीटी लगती हो तो ऐसे ही स्माइल किया करो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। ये सुनने के बाद वो बोलते कि छोड़ो ना, अब लोग मुझे भूल चुके थे, इसमें मेरी क्या गलती है, ऐसे भी मुझे तुम्हारे नांगफेन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है और तुम्हारे प्रीति से फेस में ना इतनी ज़्यादा मायूसी अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा स्माइल किया करो और तुम टेंशन मत लो, उन दोनों से निपटने में तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो हमारी बंदी है उसका मूड थोड़ा सही करता है और उसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए घर तक आता है। जैसे वो उसे छोड़ के वहाँ से निकल लेता है, बाद में पता चला हमारा भूत आई मीन टू से नांगफेन वहीं पर ऑलरेडी बैठा हुआ था।
सो हम देखते हैं नांग फेंग उसे बोलता है, इतना लेट क्यों हुआ आने में। ये सुनने के बाद वो बोलती है, मैं तुम्हारे यहाँ पर बकवास सुनने के लिए आई हूँ और तुम मेरे घर पे आए हो। ये सुनने के बाद नांग फेंग उसे बोलता है, भूलो मत एक अरुण मैंने तुम्हें दिया हुआ है मेरे पैसे से। ये सुनने के बाद नांग फेंग को से ये बोलते हैं कि और ये तुम मत भूलो कि इसको पाने के लिए मैंने कुछ कीमत तो चुकाई होगी ना, या फिर वो भी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो उसे बोलती है कि यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनने के बाद जो नांग फेंग था उसे बोलता है, तुम यूके जाना चाहते थे ना पढ़ने के लिए, तो जाओ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा बोलती है इतनी मेहरबानी की कोई रीज़न। ये सुनने के बाद जो नांग फेंग था वो उसे बोलता है, तुम बोल रही थी तुम यूके जाके पढ़ाई करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा, तो जितने भी पैसे लगेंगे सब कुछ मैं दे दूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, स्पेशली मेरी फियांसी के आसपास तुम आओ मुझे पसंद नहीं, ऐसा वो बोलता है। और वो ये भी बोलता है कि क्योंकि तुम एक टाइम पर मेरी एक्स लवर हुआ करती थी, तो इस टाइम पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम और 10-12 मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाओ और ना मेरा ख़राब हो। ये सुनने के बाद उसी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है अगर मैं इस बात को मना करूँ तो क्या करोगे। उसके ऐसे चिंग को पकड़ता है और वो बोलता है एक बार तुम मना करके देखो तुम्हें पता है मैं क्या चीज हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे जो पानी लेके आई थी उसके मुंह पे मारती है और बोलती है मैंने तुम्हें एक बार मदद मांगी हुई थी और तुमने बोला कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो तुम टेंशन मत लो तुम्हारी मदद के बगैर भी मैं मर नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को आराम से सरवाइव करा लूंगी। और जहां तक तुमसे लिए हुए पैसों की बात है उसका मुझे जहां तक याद है मैंने कुछ ना कुछ कीमत चुकाई होगी, जो तुम्हारे लॉस्ट और डिजायर जितने भी थे ना वो सब कुछ मैंने ही पूरी की है। 3 साल तक तुम्हारी फियांसी तो तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं आई थी ना, मैं ही आई थी, इसीलिए इस तरह से मुझे इंसल्ट करना बंद करो। अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो इंटेंशन तुम्हें मुझे कुछ दिया हुआ है, हमारे बीच में कुछ ऐसा लेना देना बचा नहीं है। और जहाँ तक तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुमने ज़्यादा पैसा खर्च किया मेरे ऊपर तो डोंट वरी मैं किसी दिन वापस लौटा दूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो नांग फेंग था उसे बोलता है इतना कुछ बोल रही हो तो बाद में रिग्रेट मत करना, तभी से ये बोलती है कि डोंट वरी मैं अपनी बात में अड़ी रहूँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारी मदद मांगने के लिए नहीं आऊँगी, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जो नांग फेंग था वहाँ से गुस्से में चला जाता है, सी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हमें देखा जाता है जो सी थी वो कहीं भी जा रही होती है कुछ दिनों बाद, और तभी कुछ लोग उसे उठा के लेके जाते हैं। बाद में पता चला ये सब कुछ वो लियांग के फ्रेंड ही है, मतलब लास्ट टाइम जिन्होंने उससे उठाया हुआ था वही थे, और इस बार वो लोग सी को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं थे, और वो भूखे शेरों की तरह वहाँ पर नहीं होके बैठे हुए थे। और सी अपने आप को बचाते बचाते बाहर की तरफ जाती होती है, वो वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो अपना फ़ोन लेके सबसे पहले ऐसा होता है ना मुसीबत में इंसान किसको कॉल करता है, तो जो सबसे करीब है अपने अपने माइंड में सबसे ज़्यादा नजदीक जस्ट को मानते हो वही तो कल लगेगा, तो नांग फेंग को कल करके बोलते हैं मेरी मदद करो। तो नांग फेंग बोलता है तुमने बोला था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं, तो अब किस हक से मदद पा रहे हो, चुपचाप फोन रखो और जो कर रहे हो करो कंटिन्यू, मैं यूट्यूब में डिस्टर्ब करूंगा, बोल के वो फोन रख देता है। सी तो बहुत परेशान हो जाता, बेचारी सी पूरी तरह से फंस गई, और वो बंदा उस दरवाजे को तोड़ के सी के अंदर बस ऐसे घुस जाता है, और उसके बाद सी को सोफे में लेकर उसकी बहुत खराब हाल करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें बाद में पता चला सी ने पहले तो हाँ ये जरूर था कि नांग फेंग को कॉल किया था, लेकिन बाद में उसने सावसंग को कॉल कर दिया हुआ था, तो सावसंग यहाँ पर आ जाता है। और सावसंग जैसे आता है और उसके बाद तो वो उसकी ऐसी हालत करता है आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद वो उससे बोलता है आज के बाद अगर सी को किसी ने हाथ भी लगाया ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद तो सी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और सी तो बेचारी ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत भी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहीं से नांग फेंग और सारे उसके टेंटिंग जा रहे होते हैं, और सी के जो फ्रेंड थी वो भी वहाँ पर आई हुई थी। और तभी सी पहले तो सावसंग को बोलती है मुझे नीचे रखो मुझे कुछ बात करनी है, और उसके बाद वो नांग फेंग के नज़दीक जाती है, और उसके बाद नांग फेंग को बोलती है तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि मैं जिंदा हूँ, तुम तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब तक तुम्हें मर चुके नहीं, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ मेरी सांसें चल रही है, लेकिन थैंक यू सो मच आज तुमने जो रियलिटी मुझे चेक कराई है ना कि मैं क्या हूँ मेरी औकात क्या है मैं किस लेवल तक रहना डिजर्व करती हूँ, तो वो बहुत सही था। आज के बाद मुझे ये एहसास होगा कि मुझे किस
लेवल तक आपने लिए सपना देखना है और कहाँ तक मैं देख सकती हूँ और कहाँ तक नहीं, ऐसा बोलते उसे जोर का थपाचा लगाती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे और तमाचा मारो। ये सुनने के बाद उसे बोलते कि नहीं, मैं अपने हाथ तुम्हारे ऊपर तो गंदे नहीं करूँगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आज तुम्हारी फ्रेंसी ने मेरे साथ किया है ना, जाओ उसे बता देना कि उसने जो हरकतें की है उसके लिए मैं उसको रिटर्न जरूर करूँगी। जिस तरह से उसने मुझे आज बर्ताव करवाया है उसी तरह से उसके साथ भी होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स मतलब सावसन और अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल। सब कुछ उसे बहुत बुरा लग रहा था, आई मीन टू से सावसन को, क्योंकि उसे एक ही हालात समझ रहा था और उसे समझाने की ट्राई करता है। तभी से ही बोलती है गलती मेरी है, इसमें मुझे किसी और को ब्लेम नहीं करना, मुझे पता था ऑलरेडी डे वन से कि मैं उसके लाइफ में बस एक खेलने की चीज़ हूँ, जब तक मन चाहे खेलेगा और उसके बाद वो मुझे फेंक देगा। और उसने वही किया, मुझे उससे कुछ भी उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी, कहते मेरी है, मैंने उम्मीद लगाई तो अब मुझे डिसअपॉइंट होने का भी कोई हक नहीं है, छोड़ो ना, ऐसा वो बोलती है और काफ़ी रो रही होती है। सासू से समझाता है कि तुम टेंशन मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ। और उससे बोलती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो फिर से लोग वही बोलेंगे जिस तरह से नामकिन के साथ होते टाइम बोलते थे कि मैं उसकी मिस्ट्रेस हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। ऐसे नहीं बोला, सासू बोलता है मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस चाहूँगा कि तुम इतनी ज़्यादा अपसेट मत बनो, वो भी वो स्टूपिड क्लोजर की वजह से। उसे नहीं पता उसने क्या खोई है, उसे बाद में रियलाइज होगा, ऐसा वो बोलता है। और वो सी को थोड़ा शांत कराने की ट्राई कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है रियांग का बर्थडे होता है, जहाँ पर सी और जो सावसंग होते हैं वो भी गए हुए होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियांग होती है वो सबके सामने रियांग की स्पीच दे रही थी कि मेरे फियांसी ने इतना अच्छा प्लान किया मुझे बर्थडे सरप्राइज देके। वो ऐसे दिखाना चाहती थी जो सी है उससे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे लिए तो 3 साल में ऐसा कुछ किया नहीं होगा लेकिन मेरे लिए तो इतना कुछ किया, ऐसा वो प्रिटेंड करना चाहती थी। और तभी जो सीढ़ी होती है वो सासुंग को बोलती है अब तुम शो देखने के लिए रेडी हो जाओ। और उसके बाद वो जाती है सियांग जो थी जो सी थी वो जाती है लियांग के पास। और उसके बाद वो बोलती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई थी, लेकिन ये भी है कि जो तुमने हरकत की मेरे साथ उसके लिए मैं तुम्हें रिटर्न बैक भी करने आई हूँ, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है हैप्पी बर्थडे और सीधा उसका जो मुँह है वो केक में घुसा देती है। बाय गॉड, ये तो सिर्फ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। ये देखने के बाद तो जो लियांग है उसे बहुत इंप्रेसिंग फील होता है, जिसका रीज़न ये होता है कि वो अपने लोगों को सी को पिटवाने के लिए बोलती है। तो ऐसा होता है एक दो बार तो सी को लग जाता है, बाद में सावसंग आके उसे बचा लेता है, लेकिन होता ऐसा है जो सी थी उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। बाद में हमें पता चला शायद ये बंदी प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है सावसंग बोलता है दुनिया के पहले इंसान होंगे जो तुम खुद के बच्चे को इस तरह से पिटवा रहे हो, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना उस टाइम पे शायद भगवान भी तुम्हें माफ ना कर पाए, ऐसा बोलता है। और उसके बाद सी जो होती है उसके पास आता है नामफिंग, और उसके बाद वो उसे गोदी में उठाता है और वो बोलता है अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सी ये हंसने लगती है और बोलती है पहले ये तो क्लियर कर जाओ ना कि तुम किस हल से ये सब कुछ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे सिर्फ लॉबर हुआ करती थी तो बच्चा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था ना, तो तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। और उसके बाद गाड़ी में ले जाता है, और गाड़ी में भी जो सी है वो बस ये बोल रही थी कि 3 साल तक मैं तुम्हारी सेक्रेट लवर बन के रह रही थी और मुझे कोई अफसोस नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम पे मुझे तुमसे प्यार हुआ था लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, ये बच्चा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, अगर इस बच्चे को कुछ भी होता है ना उसमें मैं जिम्मेदार हूँ, तुम नहीं बोल के करने से बड़बड़ किए जा रही होती है। और उसके बाद नामफिंग बोलता है बकवास बंद करो चुप करो। और तभी जो सी होती है वो ऐसे बोले जा रही थी, ऐसा होता है ना इंसान नशे में बात कर रहा है या फिर आदि होश में। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमें दिखाया जाता है उसका ऑपरेशन चलता है। और उसके बाद वही टाइम पे सावसंग आता है और वो जो नांगफिंग उसे मुंह पे मारता है और बोलता है अगर उसे कुछ हुआ ना तो उस टाइम पे तुम अपने आप को कैसे फेस करोगे अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है तुम्हें भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पता है। फिर सुनने के बाद सावसंग को नांगफिंग बोलता है ऐसे कुछ साल पहले जो मैंने तुम्हारी हाल की थी मुझे लगता है दोबारा वो वक्त आ गया है। और एक बात बताओ तुम्हें ये सेकेंड हैंड चीज़ में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है, एक बार जो चीज़ जिस चीज़ को मैंने यूज़ करके फेंक दिया है उस चीज़ को तुम इतना ज़्यादा अपने सराखों पर बिठा रहे हो, एक बार उसे तो पूछते हो ना कि उसे तुम पे इंटरेस्ट है या नहीं। इतनी गंदी तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहा था सासों को, तो इतना गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है एक बार सी ठीक हो जाए उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हें, लेकिन
डॉक्टर अंदर आज से बाहर आते हैं ऑपरेशन खत्म होने के बाद, डॉक्टर का सबसे पहला सवाल ये था कि आप दोनों में से बच्चे का बाप कौन है। सीरियसली यही क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हमें ये पता चला बच्चा ना रहा, मतलब बच्चा मर चुका है। तो अब क्या ही था, जो हमारी बंदी थी सी अंदर होती है और उसके बाद उसके पास पहुंच जाता है संसा, उसे देख रहा था और उसके बाद उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। संसा चला जाता है अंदर से ही के पास और उसके बाद से ही सो रही होती है। संसा को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। संसा जिस तरह से सी को देख रहा था, मुझे लगता है एजेंस हमें लगता है वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है या कुछ तो है जो आपको बाद में पता चलेगा। तो हम देखते हैं जो डॉन्फिंग था वो तो वहाँ पर उसे बस एक बार देखता है और उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रास्ते में जो लियांग होती है उसके पास आती है, बोलती कि वो कैसी है, वो उसे झूठा कंसर्न दिखा रही होती है। उसी समय पे दिखाया जाता है उसे वो बहुत घूर के दिख रहा था। तभी जो लियांग थी वो बोलते हैं कि ऐसे भी वो बच्चा तो वांटेड नहीं था ना, तो कोई बात है, अगर नहीं रहा तो भी तुम्हें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद जो नामकिंग था वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जो हरकत की है अभी अभी मेरे साथ, उसके बाद मैं तुम्हें कोई ट्रॉफी दूंगा तो मैं थैंक यू बोलूंगा, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही हो। ये सुनने का दो बोलते कि मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनने के बाद जो नामकिंग था वो बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, आई नो। और उसके बाद मैं यहाँ पर बता नहीं सकती लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो नंगफिंग था उसके पास जाता है और उसके बाद वो अपना जो वो पी रहा होता है, मतलब वाइन जो से स्मोकिंग कर रहा था, तो उसको चलाता है और उसके बाद वो सीधा उसके बॉडी पे लगा देता है। तो अब क्या होंगे आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो नफरत था एक लेवल बढ़ गया। वो उसे बोलता है तुमने सोच भी लिया तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो, और तुमने आज जो हरकत की जिस बात की वजह से मेरा बच्चा मेरे साथ ना रहा ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मुबारक हो। जो फेक प्रिटेंड वाला रिलेशनशिप हम दोनों का चल रहा था, तुम जो बचपन से मेरी बीवी बनने का जो भी सपना बुन रही थी वो आज ना रहा, और आज के बाद अपनी शक्ल लेके मेरे पास मत आ जाना। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जो पापा है उनके फ्रेंड की बेटी थी और अंकल को मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाओ। ये सुनने के बाद लियांग बोलती है तुम्हें लगता है कि ऐसे कुछ करके तुम उसको पालोगे, तुम भूल कैसे गए, तुम रिवेंज ले रहे हो और तुम्हें क्या उसे प्यार हो गया। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं प्यार होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं उस बंदी को कैसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करूँ जिसने मेरे बच्चे को मारा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसके मुँह पर उसे लात मार के वहाँ से निकल लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद जब सी ठीक हो गई थी तो मीडिया वाले उसे पूछ रहे होते कि आपका नाम किंग के साथ क्या रिश्ता है, क्या वो उसका बच्चा था और वो आपका बच्चा मर गया है क्या, ये सब उसके एक्स उसकी जो फियांसी उसने किया है। ये सुनने के बाद सी बोलते हैं नहीं मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, और जो मेरा बच्चा मरा है उसका पापा कोई और है, नाम किंग नहीं, आप लोगों ने गलत समझ लिया, आप मुझे इस तरह से परेशान मत करो, ऐसा बोल के वो ऐसे मना कर देती है। जो वो सब कुछ देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करती। पता है उसे कॉल आया सी को, वो अपने घर पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी माँ होती है और उसकी माँ की हमेशा की तरह ऐसे गैम्बलिंग करने की आदत, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे लेने के लिए कुछ लोग आए हुए होते हैं और उसके बाद सी पैसे दे देती है। और उसके बाद अपनी माँ को बोलती है अगर आपने ये सब कुछ बंद नहीं किया ना तो दोबारा मैं आपको माँ नहीं कहूँगी, और अगर कोई और आके आपको परेशान करने लगेगा और आपसे पैसे लेने की ट्राई करेगा तो उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी आके जान बचाऊंगी, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती। इससे हम जान सकते हैं सी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, उसका लाइफ कोई ऐसे गुलाबों के पत्ते में नहीं बना हुआ। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर जो सी होती है वो ऐसे पहुँच जाती है संगसाओ के पास। संगसा उसे एक फाइल देता है और वो बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा लिया है, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में। तो उसके बाद हमें पता चला कुछ साल पहले जो सी के पापा थे उन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाई हुई थी और उसी टाइम पे उन्होंने किसी को ठोक दिया हुआ था। ये जिसको ठोक दिया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि नामफ्रेंड के मम्मी पापा थे और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। और उसके बाद वो बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो थोड़ी घबरा जाती है, अब तो कुछ और बात बन रही होती है ना।
तो उसके बाद सीरी को जो संगसा होता वो बोलता है, मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है वो तुमसे ना बदला ले रहा है, जो उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी उसका बदला तुमसे ले रहा है, भले तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनने के बाद सीरी बोलते ऐसा हो नहीं सकता, और उसके बाद वो कुछ बोलती है बोल देता है, एक बात याद रखो तुम्हारी माँ अचानक से इतनी ज़्यादा खराब कैसे बन सकती है, तुम सोचो पहले इतनी अच्छी माँ हुआ करती थी, अचानक उनको नशे की आदत लग गई और ये बनो गैम्बलिंग करने लगी और इस तरह से तुम्हें परेशान करती है, और उसके बाद जब तुम्हारे पापा ने एक्सीडेंट करवाया था तो तुम भी तो उस गाड़ी में थी ना, और तुम 3 साल तक तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी उसके बाद, और नामकुंग अचानक से तुम्हारी लाइफ में आ गया, और उसके बाद उसने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम उसकी लवर बनो तो उसे पैसे दे देगा, और उसके बाद जब तक तुम दोनों साथ में थे तो उसने तुम्हें कोई चीज़ों की तरह चीज किया है ना, एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होता था, कोई भी इंसिडेंट नहीं, बल्कि ये सोचा समझाया हुआ उसका साजिश है, वो तुमसे नफरत करता है, अपने माँ बाप का बदला ले रहा है तुमसे, तुम बस उसके लिए एक नम जो रिवेंज है उसका एक जरिया हो ऐसा हो बोल लेता है। ये सुन के तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और उसके बाद वो उससे समझा रहा होता है तुम टेंशन मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो उसे बोलती है थैंक यू सो मच तुमने इतनी बड़ी बात बताई, आज मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सी ये सब सुनते सुनते बेहोश हो गई थी, तो उसी बात की वजह से संगसा उसे उठा के ऐसे हॉस्पिटल के लिए ले जा रहा होता है, और एक कमीना साइको आदमी पता नहीं यहाँ पर भी पहुँच गया तो हो, जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है आप बीमार हो, तभी जो हमारा नागरिक था वो बोलता है बाहर में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल पर लेके जाता है और वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करता, असिस्टेंट बोलता है आप हद से ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड नहीं बन रहे हो, भूलो मत ये आपकी गर्लफ्रेंड थी किसी टाइम पर, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है संगसा ऐसे सी को देख रहा था और वो बोलता है मैंने बहुत लेट कर दी तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए, मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं उससे पहले थोड़ी वक्त पहले आ जाता तो शायद तुम्हारी लाइफ आज ऐसी ना होती, ऐसा वो बोलता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है सी जब टीनेज टाइम में थी मतलब ऐसे 13-14 साल की, उसी टाइम से जो संगसा है उसे जानता था, और शायद उसके अड़ोस पड़ोस में रहता था कुछ तो था, मतलब सी का लाइफ जो पहले नॉर्मल हुआ करता था जब वो खुश रहा करती थी उस समय पे, और सी को उससे पहली नज़र में जो सी थी उसको वो पहली नज़र में पसंद करने लगा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छे हालत में नहीं था संगसा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो ऐसे उसने उस टाइम पे सोचा था एक दिन मैं इस लाइक बन के आऊँगा कि मैं तुम्हें सामने से आके शादी के लिए प्रपोज करूँ, और उस टाइम पे तुम मना ना करो, तो अब जितना टाइम उसने ले लिया शायद वो बहुत लेट हो चुका था, वो नागफेंग के जंगल में फंस चुकी थी और उसकी सेक्रेट लवर बन के, और वो बस अपने आप को हॉटी कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो बोलता है लेकिन तुम टेंशन मत करो अब मैं इतने काबिल हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, भले तुम मेरे लाइफ में एज ए मेरा लाइफ पार्टनर ना बन सको लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे देख रहा होता है, तभी वहाँ पर आता है नागफेंग, नागफेंग बोलता है ओ शिट मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या, मुझे लगता है लवर को डिस्टर्ब होना पाप लगना चाहिए लेकिन मैंने ना गलती कर दी, मैं फिर आऊँगा, वो उसे ऐसे मुक्का मारता है संगसा, और वो बोलता है अब क्या चाहते हो, इसके साथ इतना कुछ तो कर चुके हो ना, इसको इतना हट तो कर चुके हो, अब क्या चाहिए, अब इसकी जान लेके मानोगे, ऑलरेडी इसको जिंदा लाश बना के रख चुके हो, इससे यहाँ से अब छोड़ दो, इसको जितना रहने दो, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ है उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत कुछ पे बैक कर चुकी है, ये मत सोचो कि ये बहुत खुश है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, ये बस कुटन के मारे मरने की तकार पे आ चुकी है, वो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी मैं इसे छोड़ दूंगा, जो इसके माँ बाप ने मेरे पेरेंट्स के साथ किया उसके लिए तो बहुत कुछ भुगतेगी, और ये मत सोचना कि इतनी ईजिली इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद जो हमारी सी थी उसे बोलते हैं एक काम करो यहाँ पर आओ, और उसके बाद वहाँ से वो चाकू लेती है और उसके बाद वो नागफेंग के हाथ में देती है और बोलती है एक काम करो मुझे मार दो, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी नहीं देता और वो बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, अगर जिंदा रहोगी तो मैं तुम्हें और परेशान कर पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है, ये अपने माँ के पास होती है, और उसके बाद उसकी माँ को जब पता चला उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और अब उनका बच्चा मर चुका है
थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, 3 साल तक तुम उसके साथ थी, अब वो तुम्हें कोई खिलौना बना के कैसे छोड़ सकता है। इसे ही बोलते हैं, मॉम छोड़ो ना, ये जो भी चीज़ें हैं उसको मैं भूलना चाहती हूँ, आप अब मेरी लाइफ में अकेली ऐसी इंसान हो जो मेरी अपनी हो, पापा तो हमारे साथ नहीं रहे, तो अब प्लीज़ आप मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बाहर जाके मैं वहीं पर सेटल होना चाहती हूँ, जो भी होगा इसलिए यहाँ पर नांगफेंग को देखने का मौका तो नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना, ऐसा वो बोलती है। और जो मॉम होती है वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और शायद वो अब इस बात के लिए मान जाती है कि वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी, सी थी वो काफ़ी खुश थी फाइनली उसकी माँ मान गई होती है, लेकिन उसे पता नहीं था जब ये लोग एयरपोर्ट पे गए हुए होते हैं तो उस समय पे जो नांगफेंग था वहाँ पर पहुँच जाता है, उसे को सीधा उठा लेता है, वो बोलता है तुम्हें कैसे लगा इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो उसे बोलती है नहीं तुम अब हमें बख्श दो, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पे कर चुकी हूँ, अब क्या चाहिए, तुम क्या मेरी जान लेके मानोगे, वो बोलता है नहीं तुम्हारी जान नहीं लेकिन तुम चाहिए। उसके बाद उसकी माँ को उठवा लेता है और उसके लोग लेके चले जाते हैं, और उसके बाद से बोलते हैं अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना उस टाइम मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो, तुम जो करना है मेरे साथ करो। वो उसे बोलता है नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को पे करना पड़ेगा, तुम्हें लगता है इतना इजी है, वो उसे बोलती है मुझे अफसोस हो रहा है, तुम जैसे घटिया इंसान को मैंने किसी जन्म में प्यार किया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ऐसे ख़त्म करूँ लेकिन इतनी जल्दी नहीं। एंड देन वो उसे बोलता है नहीं तुम्हारी माँ को भी वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा, और इतनी ज़्यादा पिचारी बन के ना मेरा मूड खराब मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कैसी औरत हो। उसके बाद वो बोलता है मुझे छोड़े हुए कुछ घंटे नहीं हुए थे, तुमने तो किसी और को पकड़ लिया था, अब क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत इजीली छोड़ दूंगा, हर किसी ने ऐसा वो बोल लेता है, और उसके बाद उसे लेके चला जाता है। और हम देखते हैं आप अगले वाले सीन में जो सी थी सी के पास भाग के आता है सॉन्ग साओ, वो उसे बोलता है मैं तुम्हारी माँ को वापस लाने में मदद करूँगा, वो उसे बोलते हैं नहीं ऑलरेडी मेरी लाइफ में जान उनसे बुरी बन चुकी है, जो भी मेरी करती के या फिर मेरी मदद करने की ट्राई करता है उसको नांगफेंग नहीं छोड़ता, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाओ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वो उसे बोलता है मैं इतने काबिल हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उस जानवर से भी तुम्हें बचाऊँगा, ऐसा वो बोल लेता है। और हमें दिखाया जाता है जो नांगफेंग का असिस्टेंट होता है वो उसके पास भाग के जाता है, उसे डांटने लगता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो उसे बोलता है कि अब क्या है ये सुनने का, तो उसे बोलता है कि तुम ऑलरेडी सी को तो इतना ज़्यादा हॉट कर चुके हो, अब उसकी माँ को उठा के तुम किस लेवल तक जा चुके हो, तुम्हें पता है तुम अभी कुछ और कर रहे हो जो तुम है हो नहीं, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, वो जो मेरे साथ कर रही है वो अब दूसरे के साथ करेगी, बेसिकली जो नांगफेंग था उसने अब सोचा हुआ था कि सही अब किसी और की मिस्ट्रेस बनेगी, मतलब वो किसी और को भेज देगा, आप लोग समझ जाओ। तो उसे बोलता है तुम जो कर रहे हो इसकी वजह से कुछ हासिल तो नहीं होगा, तुम्हारा जो बदला है शायद वो पूरा हो जाए लेकिन तुम्हें एट द एंड अच्छा भी नहीं लगेगा, और भूलो मत तुम उससे प्यार करती हो। ये सुनने के बाद नांगफेंग बोलता है कि प्यार वो भी मैं सी से, तुम्हें लगता है ऐसा मैं कुछ करूँगा, वो भी उस औरत से जिसके फैमिली की वजह से मेरे माँ पापा मारे गए। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है अभी तुम्हें लग रहा होगा नहीं करता हूँ लेकिन किसी दिन तुम बहुत बुरी तरह से रिग्रेट करोगे, और उस टाइम पर मैं देखूंगा कि तुम कितना ज़्यादा रिग्रेट करोगे और तुम्हारे पास सी भी नहीं होगी, ऑल द बेस्ट दोस्त बोलता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब सुन के नांगफेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता, इट्स ओके मुझे क्या है वाला है, वो नौटंकी कर रहा होता है, इसीलिए ये बंदा बहुत कमीना है। और उसको ना चाहते हुए भी जो नांगफेंग था उसके आसपास जाना पड़ रहा था क्योंकि अब उसने तो क्लियरली बता दिया था ना कि माँ को बचाना है तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर अब उसका वो टाइम स्टार्ट हो चुका था जिस टाइम पे वो अब नांगफेंग को नहीं बल्कि किसी और मैन को सॉल्व करने लगेगी, किस तरह से सॉल्व करना है आप लोग समझ ही गए होंगे। यार कितना बुरा लग रहा था सी के लिए इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर बाद में पता चला सी को कि किसी के थ्रू की उसकी माँ की तो मौत हो चुकी है, ये क्या नांगफेंग ने तो बोला था कि उसकी माँ को जिंदा रखेगा जब तक सी उसकी बातें सुनेगी, लेकिन नहीं। और इवन जो नांगफेंग था पता नहीं उसने कैसे, लेकिन हाँ जो मॉम होती है ऐसा होता है, जो नांगफेंग था वो उसने उसकी मॉम को तो रखा हुआ था लेकिन गाड़ी ने ठोक दिया था और उसकी माँ की मौत हो गई। सी को इतना गुस्सा आया उब जाती है और वो बोलती है मेरी माँ कहाँ पर है, वो बोलता है मुझे क्या पता
कोई गैम्बलिंग कैसीनो में होगी, जाओ जाके ढूंढो। उससे बोलती है तुम इतना ज्यादा गिरोगे मैंने सोचा नहीं था, तुमने मेरी माँ को मार दिया। वो सोचता है कि क्या, लेकिन वो बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करता। और उसके बाद वो बोलती है मैंने बोला था मेरी माँ को कुछ हो गया ना उस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब वो हो चुका है, मैं उसको नहीं बदल सकती। और उसके बाद नामग्रीन बोलता है नौटंकी करना बंद करो, यहाँ से दबाव जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तभी शी बोलती है कि मुझे अफसोस है, तुम जैसे इंसान को मैंने कभी चाहा था, लेकिन तुम इतना नफरत करती हो मुझसे कि तुमने मेरी माँ को भी मार दिया, अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। और उसके बाद वो उससे बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सी थी वो गुस्से में नाम के घर से निकल लेती है। और उसके बाद संसा उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी अपने आप को ब्लेम कर रही थी, अगर मैं उसके लाइफ में ना होती तो आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते, गलती मेरी है, मैं अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, एक बंदे की पॉपेट बनते बनते मैंने अपने सब कुछ खो दिया, ऐसा बोल के रो रही होती है, रो रही होती है अपने आप को ब्लेम कर रही थी। और उसके बाद संसा उसे बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी किस्मत ख़राब थी कि तुम ऐसे जानवर के साथ मिली, उसका पागलपन तुम्हारी फैमिली को लेट हुआ, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, प्लीज ठीक हो जाओ। वो उससे बोल रही थी नहीं मैं अपने आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मेरे माँ बाप की मौत के पीछे किसका हाथ है, मैं उसको कैसे माफ़ करूँ, मुझे पता था वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा, फिर भी मुझे बेवकूफ़ी की तरह उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, बोल के रो रही होती है, रो रही होती है। संसा उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, उसे ऐसे बोल रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे बस कहने से सब कुछ ठीक होने वाला तो अभी बिल्कुल भी नहीं था। और हमें दिखाया जाता है ऐसी इतनी ज़्यादा अपसेट थी, इतनी ज़्यादा अपसेट थी अपने घर पे होती है, नांग उसके घर पे आता है, दरवाज़ा पीटने की ट्राई करता है, वो खोलती नहीं है, तो ऊपर वाले माले में सी होती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अभी दरवाज़ा खोलो, तुम्हें अपनी माँ के फंडल पे नहीं जाना क्या। ये सुनने के बाद सी बोलती है कि तुम्हें ये सब चीज़ फ़र्क पड़ता है। ये सुनने के बाद नांग उसे बोलता है नहीं नहीं मुझे इस सब चीज़ फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें अपनी माँ के फंडल के लिए पैसे जमा करवाना है तो उस टाइम पे तुम्हें किसी और के साथ सोना भी तो पड़ेगा। इतना गंदी तरीके से इसने इंसल्ट कर दिया। सी बोलती है एक बात बताओ तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता क्या, तुमने मुझ जैसी लड़की को मुंह लगाया, मुझे लगता है तुमने ना बहुत बड़ी गलती की, एटलीस्ट तुम्हें नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कभी इतना ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए नहीं थी, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं मेरी क्या औकात थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैंने तुम जैसे इंसान को कभी चाहा और अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, और आज उसका बहुत अच्छा खासा मुझे सिला मिल चुका है, मुझे अफसोस हो रहा है तुम जैसे इंसान को कभी मैंने प्यार किया था। वो उसे बोलता है चुपचाप अभी नीचे आओ तुम्हारी माँ के फंडल में जाना है। वो उसे बोलती है तुम तो जाते होंगे ना कि मैं मर जाऊँ, कोई बात नहीं मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी तब जाके तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एटलीस्ट तुम मेरे मास्टर हो, तुम मुझे तुम्हारी हर बात सुननी पड़ेगी। और उसके बाद वो उसे बोलता है बकवास बंद करो नीचे आओ अभी तुम्हारी माँ के फंडल पे जाना है। ये सुनने के बाद सी बोलती है नहीं मास्टर मैं नहीं आने वाली, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ेगी और मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा तो वही है ना पूरी लाइफ का मोटिव, ऐसा वो बोलती है, इमोशनल हो रही होती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं एक बात बोलूँ क्या, तुम अभी भी मेरे लवर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तुम ना बहुत ज़्यादा भ्रम में हो। और उसके बाद वो उसे बोलती है मुझे पता है अगर मैं जिंदा रहूँगी ना उस टाइम पे तुम मेरे लाइफ को जानो से भी बुरा बनाओगी, लेकिन तुम मुझे ऐसे तो इमोशनली तो मार चुकी हो, अब मेरी बॉडी के साथ और क्या करोगे बताओ। और उसके बाद नांग में बोलता है बकवास बंद करो अभी के अभी नीचे आओ। और उसके बाद सी उसे बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं आने वाली, तुम टेंशन मत लो, मेरी माँ की मौत के पीछे मैं तुम्हें ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो होना था वो हो चुका है, तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप की मौत के पीछे मेरे पापा का हाथ था और मेरे पापा की वजह से तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई थी तो मुबारक हो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारे माँ बाप की मौत हो गई और अभी मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं कहीं ना गए, उसमें तुम्हारा हाथ था, लेकिन छोड़ो वो सब कुछ मैंने अपने प्यार के नाम पे कुर्बान कर दिया, मैं इतनी निकम्मी बेटी हूँ कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकती जिसको मैं एक टाइम पे प्यार करती थी, तो चलो कोई बात नहीं आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखोगे, यहाँ से दफा जाओ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद जो नांगफिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लेटर वो रियलाइज करता है कुछ चल रहा है, तो वो वाकई उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला
जो सीए थे यहाँ पर घर को पूरी तरह से जला चुकी थी और उसका जो मेन कमरा था वो बंद पड़ चुका था और उसके बाद वो वहाँ पर आग लगा चुकी थी। और नांगफेन बाहर से पिटता रहता है लेकिन एरदहीन से ही अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो हम देखते हैं नांगफेन जैसे आंखें खोलता है वो घबरा जाता है, हॉस्पिटल पे था और उसे सही की बातें याद आ रही थी। वो सोचता है वो मरे या जिंदा रहे मुझे क्या, मतलब ऐसा वाला रिएक्शन दे रहा था, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नांगफेन होता है वो चला जाता है उस सेक्शन पे जहाँ पर सीई की बॉडी को रखा गया था। तो वहाँ पर सीई के बेस्टफ्रेंड और नांगफेन का असिस्टेंट होता है और उसके बाद जो सीई की बेस्टफ्रेंड थी वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने बेस्टफ्रेंड को खोया है उसने, अब रोना तो बनता था ना, बेचारी बहुत इमोशनल हो रही होती है। और उसके बाद नांगफेन जैसे वहाँ पर चला गया तो सीई की बेस्टफ्रेंड उसे रोक लेती है और बोलते हैं मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अब मेरी बेस्टफ्रेंड के आखिरी टाइम पर मैं उसके आसपास पड़ने भी नहीं दूंगी। तभी नांगफेन का जो असिस्टेंट था वो बोलता है नहीं नहीं देख नहीं दो ना इसे, क्यों रोक रही हो। और उसके बाद जैसे उस मतलब उसके फेस को देखने की ट्राई करता है तो वहाँ पर बस एक्चुअली वही बॉडी थी, वो तो शॉक में आ जाता है। और उसके बाद उसका बेस्टफ्रेंड बोलता है बहुत अच्छी लड़की थी सी, बेवकूफ थी, एक नंबर की स्टूपिड बेवकूफ, जिसको कभी भी ना ये पता नहीं चला कि वो जानवर को चाहती थी। और अगर उसका उसको तुमसे प्यार करने का एक हिम्मत मिल रहा है तो बहुत अफसोस की बात है ना, आज के बाद इस दुनिया में कोई किसी से प्यार कर नहीं पाएगा, तुम यहाँ से दफा आ जाओ, आज के बाद तुम इसके डेड बॉडी को भी नहीं देख पाओगे, तुम्हारे मन में हमेशा ये चीज़ रहेगा कि तुमने एक लड़की से उसकी मासूमियत छीनी है, बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ पर वहीं पता नहीं क्यों खून के उल्टे करने लगता है एंड देन बेहोश हो गया। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में सी का जो डेड बॉडी फंडेल हो गया तो वहाँ पर नांगफेन भी था। और उसके बाद सी की बेस्टफ्रेंड थी उसको असिस्टेंट लेके चला जाता है और उसके बाद नांगफेन उसे देखता है और उसके बाद वो बोलता है तुम बोलती थी ना कि मैं तुम मुझे हेट करती हो, कोई बात है तुम मुझे बहुत नफरत करती हो मुझे पता है और इस चीज़ को मैं कभी बदल नहीं पाऊँगा, लेकिन मुबारक हो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ लेकिन मैं कभी तुमसे नफरत कर ही नहीं पाया और मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे इस तरह से छोड़ के जाओगी, वापस आओ सी प्लीज़ वापस आओ, ऐसा बोलता है रोने लगता है और वो बोलता है मुबारक हो तुमने मुझे ये याद दिलवा दी कि तुम मुझसे कितना नफरत करती हो और तुमने ये चीज़ नहीं जान पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बोलता है रोता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन हाँ बहुत बढ़िया सीन था, मतलब बहुत सेटिस्फाइंग लगा ये सीन मुझे। अब हम देखते हैं 4 साल बाद सी वापस आ गई थी, इस बार इसका नाम साना है। तो अब यार आप लोग सोचो हीरोइन मरेगी तो स्टोरी कंटिन्यू होगा क्या, तो ऑब्वियसली संगसाओ ने उसे बचा लिया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सी संगसाओ जब मन में बातें करते करते आ रही होती है, उसे बोलता है प्लीज आज सीधा सीधा घर आ जाओ, अगर कहीं और गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सुनने के बाद सी बोलती है कि क्या हुआ तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं पहली बार आई हूँ चाइना, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ होगा, तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। वो उसे बोलता है नहीं नहीं चुपचाप घर आ जाओ ठीक है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो नांगफेन का असिस्टेंट था उसके साथ वो टकरा जाती है, वो उसे बोलता है तुम ठीक हो सी, सी बोलती है तुम कौन हो, मेरा नाम साना है सी नहीं, और तुम यहाँ पर मुझे जानती हो क्या, उसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी सी बोलती है आई एम सो सॉरी एक्चुअली 4 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी आधी यादें तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस मुझे इतना पता है मेरा नाम साना है और मैं इतने सालों के बाद चाइना वापस आई हूँ, मुझे बोला जाता है कि मैं बचपन में चाइना में पली बड़ी थी लेकिन अभी मैं बाहर ही पली बड़ी हूँ और एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे कुछ याद ही नहीं। सुनने का तो बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी, मतलब वो ना उसे बोल देता है कि शायद ही गलतफहमी था। और तभी फ़ोन में जो समझा होता है वो बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो बोलती है नहीं एक बंदा मिला वो बोला था कि मुझे जानता है लेकिन बाद में बोला है नहीं जानता छोड़ो ना। और तभी समझा समझ जाता है शायद कोई तो इंसान है जिसको सी जानती थी, मतलब कोई उसका पास वाला टाइम, वो बोलता है छोड़ो ये सारी बातें अब चुपचाप घर आ जाओ। और उसके बाद सी घर पर आती है और उसके बाद दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, लेकिन हाँ समझा सी को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था और उसे बहुत अच्छे से रख रहा था, मतलब ऐसा ग्रीन फ्लैग कहाँ मिलता है आप लोग कमेंट करो क्योंकि नॉर्मली तो मिलता नहीं है। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में सी कोई ट्रैकिंग पे गई हुई होती है और उसके बाद वो फ़ोन पे बातें कर रही थी तो वो टकरा जाती है किससे,
जानवर से ऑब्वियसली नांगफेंग से टकराती है। नांगफेंग का हुलिया देखो, आपको ना वॉमिट होने लगेगा। शिरी कितना गंदा बन के बैठा हुआ था। सी को जैसे वो दिखता है उसे बोलता है, सी तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, उसे गले लगाता है। सी डर जाती है, उसे बोलती है आप कौन हो, प्लीज मुझसे दूर हटो। और वो घबरा जाती है, उसे गले लगा रहा था और वो बोला था फाइनली तुम वापस आ गए, तुम मरी नहीं थी, अगर तुम सही थी तो वापस क्यों नहीं आई, पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया, प्लीज तुम मुझे दूर मत जाना। आप सीर घबरा जाती है, वो बोलते हैं प्लीज मुझे दूर रहो, और मुझे नहीं पता आप कौन हो और मैं नहीं जानती आपको, मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था, इस कारण की वजह से वहाँ पर कुछ लोग चल रहे होते हैं जिनको लगा कि सी को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि कुछ हेल्प चाहिएगा बेटा। सी भी बोलते कि हाँ ये मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी नांगफेंग बोल रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सी का सर दर्द करने लगता है और उसके बाद सी उन लोगों को बोलते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मैं इसको नहीं जानती, ये मुझे परेशान कर रहा है। और उसके बाद जो सी होती है उसको वो लोग गाड़ी में लेके जाते हैं। और उसके बाद सी अब तक तो नॉर्मल हो चुकी थी, इसीलिए अपने होटल पर चली जाती है। नांगफेंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसके बाद सी रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि प्लीज मेरे एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है तो इसको प्लीज आने मत देना। और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे रोक रही होती है, लेकिन बाद में नांगफेंग उसे अपना कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं इसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी रुक जाती है। बाद में सी उस होटल को चेकआउट करके निकलने वाली थी, नांगफेंग उसके पास आता है, उसे बोलता है मुझे बात करनी है तुमसे, सुनो सुनो मेरी बात। तभी ये सुनने के बाद जो नांगफेंग होता है उसे सी बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम 3 साल पहले 4 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। सी उसे बोलती है पर एक बात बताओ, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो शायद हम दोनों का कुछ अच्छी यादें होनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं है, मुझे तुम याद नहीं हो और तुम्हें मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ मैं खुश तो नहीं होंगी ना, मुझे नहीं लगता हम दोनों का कुछ है, अगर था तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये सुनने के बाद जो सी होती है उसको नांगफेंग कुछ बोल नहीं पाता, वो उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। तभी सी बोलती है अगर तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे या फिर कुछ तो था उस टाइम पर, वो उसे बोल रहे हैं कि ठीक है तुम जो चाहती हो होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। सी बोलती है मुझे नहीं लगता हम दोनों का कुछ था, अगर कुछ था तो भी वो पास्ट है ना, और प्लीज़ मैं अभी बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, तो मैं कोई बुरी यादों को फिर से गले लगा के अपने आप को ख़त्म करना नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जो सुन के तो जो नांगफेंग था उसका दिल ही टूट जाता है। और उसके बाद वहाँ पर वो कुछ देर तक रोने लगता है और यहीं पर सीन को कट किया जाता है। और उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है रात को जो नांगफेंग था उसका पीछा करते करते वहाँ पर गया था। सी पहले तो जो संग साव था उसे पूछती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम ये क्यों पूछते हो। तभी वो बोलती है नहीं एक बंदा था जो बोला था कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जो सुनने के बाद संग साव को समझ में आ जाता है ये कौन। साव पहले तो सी को कुछ भी बहाना लगा के उसे घर तक छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो देखता है नांगफेंग तो वहीं पर है। और उसके बाद सी जैसे अंदर जाती है उसके बाद वो नांगफेंग का गला पकड़ने पहुंच जाता है। बेचारे को गुस्सा क्यों नहीं आएगा, इंदना में दिखाया जाता है वो दोनों में कुत्तों की तरह लड़ाई होती है। और उसके बाद जो संग साव था वो बताए तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे तुम खुश नहीं देख सकते, तुम उसके लाइफ में वापस क्यों आए हो, मैं तुम्हें प्लीज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो खुद से अभी वो उसे बोला है कि तुम क्या डर रहे हो कि अगर उसे सच पता चल गया उसके बाद वो मेरे पास वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद जो संग साव था वो बोलता है तुम्हें याद भी है उसने 4 सालों में कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, उसको कुछ भी याद नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लाइफ का सबसे वर्स्ट जो चीज़ें था वो सब कुछ वो भूल चुकी है, जिनमें तुम भी आते हो। अगर तुम दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग होता ना उस टाइम पे, हो सकता है कि तुम कभी तुम्हारे बारे में वो बात करते, उसे याद भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो। और तो उसने क्या बोला पता है, जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा और वो बोल रही थी कि तुमने उसका पीछा किया उस टाइम पे उसे बुरा लग रहा था, अगर अच्छी यादें होती तो उसे अच्छा लगता, अब उसे बख्श दो, उसकी लाइफ को बख्श दो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं सो रही होती है रात को, उसे अचानक से बहुत बुरा सपना आता है, वो अपनी आँखें खोलती है, उसे बेचैनी महसूस हो रही
रही होती है और उसके बाद वो उठती है और वो दरवाज़ा किसी का पीटने का आवाज़ सुनती है, इसी बात की वजह से वो नीचे आती है। तो उसके बाद जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से हमारा हीरो निकलता है, मतलब नांगफिंग सॉरी बाहर से, और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आ रहे। तो वो तो घबरा जाती है, वो बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात बात नहीं करनी, लेकिन वो नहीं सुनता। और उसके बाद जो सी थी वो उससे बोलती है प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे कोई सीन कट नहीं करवाना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बोलता है मेरी मदद करो। और उसके बाद उसकी मलम पट्टी करने लगती है। अब बंदी को जिंदा ऐसे मरने तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि बहुत ख़राब हालत में था। वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे हालत में कैसे आ गई। ये सुनने के बाद जो सी थी उसको नाम बोलता है कुछ नहीं, कुछ लोग हैं जो मेरे लिए बुरे सपने की तरह मेरे लाइफ में फंस गए। ये सुनने के बाद सी को वो बोलता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। नांगफिंग को सी बोलती है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनने के बाद नांगफिंग उसे बोलता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों के इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था, मुझे एक चांस दो, तुम इतने सालों के बाद वापस मेरी लाइफ में वापस आई हो, तुम मुझे एक बार प्रूव करने का मौका दो। अगर तुम्हें एक भी मौका ऐसा लगेगा कि शायद मैं झूठ बोला हूँ या फिर तुम्हारे लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, तो उस टाइम पे मैं चुपचाप चला जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ बस एक महीने का टाइम गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनने के बाद सी उसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, अगर तुम बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ था तो ठीक है हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाया हम दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता था उस टाइम पे, तुम मेरी लाइफ से दूर चले जाओगे। ये सुनने के बाद नांगफिंग खुश हो जाता है, वो मान जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, एक दो दिन ऐसा होता है सी के लिए वो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कराता, सी को अच्छा भी लग रहा था। अब देखो नांगफिंग भले उसने नांगफिंग ने उसे जैसे भी ट्रीट किया हो, लेकिन सी तो उसे प्यार करती थी ना, और दिल कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलता। तो एक बार जो हमारा संसार था उसे देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, जैसे सी नहीं थी उस टाइम पे नांगफिंग को कुत्तों की तरफ पीटने लगता है। वो उसे बोल रहा था कि तुम उसके लाइफ में वापस मत आओ, तुम उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और वो फिर से दोबारा वही फेज में नहीं जा पाएगी, वो मर जाएगी। वो उसे बोल के उसे भगाने की ट्राई कर रहा था। नांगफिंग बोलता है उसका मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हमदन के बीच में मत आओ, तुम इतने सालों से उसके साथ थे फिर भी उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, तो इसीलिए सब कुछ कर रहे हो, बोल के उसे ऐसे क्लास रहा होता है। और संसाओं बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भले ही सी के लाइफ में जगह बना पाऊँ या नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको मैं हर्ट नहीं करा जिस तरह से तुमने हर्ट किया है, प्लीज उसके लाइफ से दूर चले जाओ, बोल के दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। सी वहाँ पर आ जाती है बाहर से, जब अंदर आती है तो देख लेती है दोनों लड़ रहे हैं, इसी बात की वजह से दोनों को रोक लेती है। और उसके बाद जो सी होती है उसको संसाओ बोलता है मेरी यकीन मान, मेरा यकीन मानो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये एक नंबर का घटिया इंसान है, इसने कभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं रखा, तुम एक बार फिर से वही गलती कर रही हो सी, ये इसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, ये तुम्हें कोई चीज़ों की तरह ट्रीट करता है, अगर तुम इसके पास वापस जा गई तो या फिर वापस गई तो उस टाइम पे मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचा पाऊँगा, प्लीज़ उसे ये बोलता है। और उसके बाद सांगसाओ को सी देखती है और बोलती है शायद तुम सच बोल रहे हो, नांगफिंग बोलता है मेरी बात सुनो, ये तुम्हें भटकाने की ट्राई कर रहा है। सुनने के बाद सी बोलती है इसको मैं 4 साल से जानती हूँ और इसने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, हाँ मुझे पता है ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे पसंद करता है, मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि हम दोनों के लिए कुछ नहीं हो सकता और इसने मुझे कभी भी मेरा गलत फ़ायदा उठाने की ट्राई भी नहीं किया, और उस बंदे पर मैं क्यों ट्रस्ट ना करूँ जिसको मैं जब से मैंने होश संभाला है उस टाइम से जाना है और उसने कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे लगता है हम दोनों के लिए कुछ हो नहीं सकता। मेरी गलती थी कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, लेकिन मुझे लगता है मैं फिर से दोबारा अपने आप को बेवकूफ़ बना रही हूँ, कुछ तो होगा ना जिस बात की वजह से हम दोनों अलग हुए थे और वो चीज़ अच्छी नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मुझे जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अच्छा एहसास नहीं होता, और मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद सीन कट होता है, पूरे एक महीने तक कंटिन्यूसली यही चीज़ चलता है, सी कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस तो कर रही थी कि जो नांगफिंग है उसके आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचती है अपने आप को संभालती है, नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, वो मेरे लिए सही नहीं है और संसाओ मेरे लिए क्यों बुरा सोचेगा, ऐसा वो सोच के अपने आप को संभालती है। हॉस्पिटल में सी गई हुई होती है, तब वहाँ पर लियांग टपक पड़ती है, लियांग जब सी को देखती है तो वो तो शौक में आती है, वो बोलती है तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ, सी बोलती है तुम कौन हो दूर हटो मुझसे, तभी
जो सीरी होती है उसको लियांग बोलती है कि तुम्हारी वजह से नाक में मुझे छोड़ के चला गया और तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, तुम्हें तो इसी टाइम पे मर जाना चाहिए था। सीरी उसे बोलते हैं मुझे लगता है तुमने ना किसी और को समझ लिया होगा मुझे, आई एम सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानती, बोल के वहाँ से वो निकल लेती है। और तभी जो हमारी बंदी है लियांग उसे समझ में आता है कि सी को यासी क्या था जा चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं सी जैसे घर आती है तो वहाँ पर नांगफिंग था। नांगफिंग को देखने के बाद वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी नांगफिंग बोलता है मुझे तुमसे बात करें, मेरी बात सुनो। तभी जो नांगफिंग था उसको सी बोलते हैं कि एक बात बताओ, तुम बोलते हो ना कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन 4 साल में मैं जितनी खुश थी ना वो खुशी मेरे अंदर से शायद कोई छीन रहा है। कोई बंदी आ रही थी जो बोल रही थी कि मुझे तुम मुझसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारी मेरी वजह से उसकी लाइफ तबाह हो गई। अगर कोई अनजान लड़के आके मुझे ये ब्लेम कर रहे तो क्या सच्ची में हम दोनों का रिश्ता अच्छा होगा? मुझे लगता है वो जो सॉन्ग बोल रहा है वो एकदम सही है, मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। बोलता है क्या उसने तुम्हें हट करने की ट्राई किया? तभी सी हंसती है, बोलती है कि इसका मतलब ये भी है कि कोई है जो मुझे हट करना चाहता है वो भी तुम्हारी वजह से, तब तो मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, 4 साल में मैंने कभी ऐसे तकलीफ क्या होती है वो देखी नहीं है, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, जैसे तुम आए मेरे लाइफ में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी शक्ल में दिखाओ मुझे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो अंदर जाने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे वो बेहोश हो गई, जिस बात की वजह से नांगफिंग को उसे हॉस्पिटल पर लेके जाना पड़ता है, और नांगफिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है सी के लिए। सी जब अपनी आँखें खोलती है तो नांगफिंग को उसके साइड पर पाती है, और उसके बाद सी काफ़ी घबराती है और बोलती है यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? और तभी नांगफिंग बोलता है मैं तुम्हारा ख्याल रखने आया हूँ। वो उसे बोलती है तुम क्या मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते, प्लीज़ इस तरह से मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे नहीं पता हम दोनों का उस टाइम पे क्या रिश्ता था, लेकिन इस तरह से मुझे परेशान करोगे तो मुझे कोई नाइटमेयर की तरह लगेगा, बोल के वहाँ से वो निकल लेती है। और उसके बाद जो नांगफिंग था उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, तभी शी उसे बोलती है मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था, भले हम दोनों प्यार करते थे या फिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूरी है कि मुझे तुम्हारे आसपास रहने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है और ये चीज़ सही नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाओ, बोल के वो रोने लग जाती है। और वो जब नहीं मानता तो तभी सी उसे बोलती है एक बात बताओ, क्या तुम उस टाइम पर भी मेरी लाइफ इसी तरह से कंट्रोल किया करते थे? जब मैं क्लियरली बोल रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, प्लीज़ मुझे बख्श दो, बोल के वो रोने लग जाती है। और उसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है, नांगफिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर नांगफिंग जब अपने मॉम डैड को उसके मॉम डैड ने उसे बोला हुआ था कि उसका बर्थडे सरप्राइज उन दोनों ने तैयार करके रखा हुआ है, उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो भागते हुए अपने घर पे आया हुआ था, लेकिन बाद में उसे पता चला पता नहीं किसी शराबी ने गाड़ी चला के उसके मॉम डैड को मतलब एट द स्पॉट एक्सटेंड करवा दिया था। और उसके बाद तो आपको पता ही है नांगफिंग ने उसी टाइम से इसे अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था, जिसने उसके माँ बाप को इस तरह से मरने के लिए मजबूर कर दिया, उसको नहीं छोड़ेगा। और एट द एंड आपको पता है कौन था, तो वही सब कुछ वो याद कर रहा था, बहुत रोने लगता है। और उसके बाद वो सी को भी याद करता है और सोचता है क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही तड़पता रहूँगा तुम्हें पाने के लिए, सी मुझे माफ़ कर दो, काश मैं उस टाइम पे वापस जा पाता और मैं सब कुछ सही करता तो शायद मैं तुम्हें कभी खो ना देता, ऐसा वो सोच के रो रहा होता है। और मन ही मन में सोचता है फिर भी मुझे सी तुम्हें नहीं खोना है, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ इतना तो किसी से भी नहीं किया, ऐसा वो मन मन में सोच रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो हमारा बंदा था सॉन्ग साओ सी के पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम नांगफिंग से मिली थी? वो बोलते हैं हाँ कल वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने क्लियरली बता दिया मुझे परेशान करना बंद करो। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो सॉन्ग साओ था वो चला जाता है हमारी बंदी लियांग से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा था कि जो लियांग थी उसका मैं शॉर्टकट में बताती हूँ और पॉसिबल ट्राई करती है सॉन्ग साओ को सी के अगेंस्ट भटकाने के लिए, सी और नांगफिंग के अगेंस्ट भटकाने के लिए, ताकि वो कोई बेवकूफ़ी करे या फिर कोई मिस्टेक करे और उसे कुछ ऐसे आगे आना ना पड़े। लेकिन जो सॉन्ग साओ था वो क्लियरली बता देता है हाँ मैं सी से बहुत प्यार करता हूँ, जितना मैंने प्यार किया है शायद उतना तो किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन अगर सी को पाने के लिए मुझे इतना घटिया चाल अपनाना पड़े तो आई एम सॉरी मैं उसमें नहीं हूँ, तुम जो करना ही करो, लेकिन इतना याद रखना सी को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर सी को कुछ भी हो जाए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बोल के वहाँ से वो निकल लेता है। जो सुनने के बाद लियांग को बड़ा गुस्सा आता है। और उसके बाद हम देखते हैं
जो हमारी लियांग होती है वो पता नहीं किसको कॉल करती है, और उसके बाद वो बोलती है अब हमारा प्लान आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, कोई भी मेरे साइड पे नहीं है, तो अब मुझे सीई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो सीई होती है उसको गाड़ी ठोकने वाला था नांगफेंग आके उसे बचा लेता है। नांगफेंग को इस बार बहुत बुरी तरह से चोट आ जाती है, सीई थोड़ी सी घबरा जाती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल पर लाया जाता है, और वो काफ़ी टेंशन में भी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था वो तो ऐसे हॉस्पिटल में था, वो ठीक तो हो गया लेकिन हाँ थोड़ा सा अब मतलब दो चार हड्डियाँ टूटी थी, क्या ही मतलब ऐसे बनने चलोगे तो होगा ना, दो चार हड्डियाँ टूटी थी, हार्ट पे चोट आया था, फ्रैक्चर हुआ था, वही डॉक्टर बोल रहे होते हैं और कुछ दिन लगेगा ठीक होने में। सी उसे समझाने की ट्राई करती है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने मेरी जान बचाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना क्योंकि लाइफ में खुद को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो हमारा बंदा था वो उसे बोलता है तुम ठीक हो ना, वो बोलती है मैं तो ठीक हूँ लेकिन इतना ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो, मुझे नफरत है ऐसे डायलॉग से। और तभी वहाँ पर संगसा आता है, संगसा बोलता है अब तुमसे बात करनी है। ये सुनने के बाद सी बोलती है ठीक है, और उसके बाद वो नांगफेंग को बोलती है अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो ये बटन क्लिक करना, वहाँ पर इमरजेंसी बटन था। और उसके बाद वो सी जो संगसा होता उसके साथ बाहर की तरफ निकल लेती है, और उसके बाद संगसा उसे बोलता है तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद सी उसे बोलती है मैं तुम्हें कुछ पूछूंगी तो तुम सच बताओगे क्योंकि तुमने इतने सालों से मुझे कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, वो बोलता है हाँ बोलो। तभी सी बोलती है क्या हम दोनों के बीच में इतना ख़राब रिश्ता था क्या, क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हुए जा रही हूँ, ना चाहते हुए भी मैं उसको लाइक कर रही हूँ, मैं मुझे ऐसा फील होता है आज भी मैं उसी से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद संगसा बोलता है तुम क्या सुनना चाहती हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं तुम्हारी लाइफ के कोई भी ऐसे बैड मेमोरीज या फिर बैड एक्सपीरियंस को बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दे सकता, तुम क्या सुनना चाहती हो। ये सुनने के बाद सी बोलती है क्या हम दोनों क्यों अलग हुए थे। ये सुनने का तो उसे बोलता है कुछ नहीं सी, वो उसकी किसी और से सगाई तय हो चुकी थी और वो दोनों शादी करने वाले थे, इसीलिए तुम्हें उसने मक्खी की तरह चाय में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया था। सी बोलती है अगर ऐसी बात है तो हम दोनों अगर साथ में खुश थे तो उसने किसी और से एंगेजमेंट क्यों तय की। संगसा को पता है लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि उसे हट करना नहीं चाहता ये बोल के कि तुम उसकी बस लवर थी, लवर मीन्स उसे ऐसी लवर नहीं बल्कि बेड वाले जो भी काम पूरे करने ऐसे वाले लवर, तो उसे नहीं बताता। सी उसे बोलते हैं मुझे ऐसा फील होता है आज मैं उसी से प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे नहीं के बाद संगसा हंसता है और बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, प्यार में कभी सॉरी नहीं बोला जाता, वो तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जरूरी नहीं है ना कि तुम भी मुझे पसंद करो, कोई बात नहीं जहाँ तुम खुश हो मेरे लिए तो वही सबसे सही जगह है, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं रोकूंगा जाओ, बोलता है। जो सुनने के बाद सी खुश होती है और उसके बाद वो भाग के चली जाती है अंदर की तरफ, बेचारा यार हर बार इसका दिल टूटेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सी होती है ऐसे बेड पे सो रही होती है, उसे वही फ्लैश बैक आ रहे थे जहाँ पर उसे मतलब उठा के ले आ जा रहा था नांगफेंग से, वो मदद मांग रही थी लेकिन वो मदद नहीं करता, वही वाला मोमेंट। तो सी काफ़ी ज़्यादा घबराती है, उठती है और उसके बाद नांगफेंग उसे बोलता है क्या हुआ है। सी पहले तो उसे डांटती है मोमेंट ना करो बोल के क्योंकि उसका अभी ठीक होना रह गया था और वो ऐसे हलचल कर रहा था। तो सी उसे बोलती है एक बात बताओ हम दोनों के में ऐसा क्या था और मैंने सपने में कुछ देखा, वो बोलता है क्या। तभी सी बोलती है मुझे कुछ लोग उठा के ले जा रहे थे और मैंने किसी से मदद मांगने की ट्राई की लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, पता नहीं कौन था लेकिन मुझे बहुत नफरत करता है शायद, ऐसा वो बोलती है। नांगफेंग जो था वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो मनुष्य तो वही था ना, वो मनी मन में बस ये बोलता है कि काश मैंने उस दिन तुम्हारी मदद की होती तो तुम्हारे मन में इस तरह से ये चीज़ ना बैठता। और उसके बाद जो संगसाव था जो नांगफेंग था वो उसे बोलता है कुछ नहीं तुम ज़्यादा सोच रहे हो। सी उसे बोलती है मुझे समझ में आ नहीं रहा कि क्या है मेरे लाइफ में लेकिन इतना ज़रूरी सा कहीं वो तुम तो नहीं थे। संगसा कुछ नहीं जो नांगफेंग था वो कुछ नहीं बोलता और उसके बाद सी उसे बोलती है तुम जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ। सी होती है उसे किसी का मैसेज आता है, उसे किसको मिलने के लिए जाना होता है, इसी बात की वजह से वो चली गई थी। बाद में पता चला ये नांगफेंग के दादाजी थे, नांगफेंग के दादाजी काफ़ी खुश थे सी के वापस आने से क्योंकि नांगफेंग के दादाजी को अच्छी तरह से पता है, भले ही उनका पुता जितना एक नंबर का कमीना हो लेकिन वो सी से कितना प्यार करता है उन्होंने देखा हुआ था, भले ही नांगफेंग एडमिट ना करे तो उन्हें कुछ पैसे दे रहे होते हैं
और उसके बाद वो बोलती है, तुमने मेरे पोते का बहुत अच्छे से ख्याल रखा बेटा, ये लो तुम कुछ पैसे रखो, तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। उनको लग रहा था अभी भी सी उसी हालत में है, तो सी बोलती है कि मुझे एक्चुअली दादाजी कुछ याद नहीं है, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद दादाजी बोलते हैं, पर बेटा तुम दोनों तो साथ में हो ना। ये सुनने के बाद सी बोलती है, नहीं दादाजी हम दोनों साथ में नहीं है, मैं बस उसका ख्याल रख रही हूँ क्योंकि उसके अभी उसका जो हाल है ना वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं कभी अपने गिल्ट में जाना नहीं चाहती, बस इतना है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद दादाजी उसे फोर्स नहीं करते क्योंकि वो काम के उनकी तरह अकल के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। हिंदू नाम दिखती है, अब वापस ही आती है और उसके बाद नाहन के साइड पर बैठी हुई थी, और उसके बाद नाहन उसे बोलता है, तुम वापस क्यों आई हो। सुनने के बाद ये बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है। तभी ना उसे फिर से डर के थोड़ा सा उसे घबरा के पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहने वाली हो, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक चांस दोगी। ये सुनने के बाद सी स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं, यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पैचअप करना है, मुझे नहीं पता आमदन के इसमें कैसा रिश्ता था, बस लोगों के कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट टाइम जब हम दोनों अलग हुए थे तो उस टाइम पे मैं आग में फंस गई थी, तो कुछ गलती हुआ होगा ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें सच पता है और या फिर संस्थाओं को पता है, किसी और को नहीं पता। और नानसिंग की उम्मीदों पे वो पानी फेर देती है, ये बोलती है कि वो वापस इसलिए आई है ताकि वो सच जान सके, मतलब उसका अभी यादा जो गया हुआ है और बीच बीच में जो क्रैश टिफ की तरह उसके सर में दर्द होता रहता है उसका जरिया जानने के लिए, और अगर वो सच जान पाए ना उस टाइम पे वो सब कुछ सॉल्व कर पाएगी, ये सोच के वापस आई थी, ना कि वो नाफिंग के साथ एक होने के लिए। बस उसने संसाओं को झूठी उम्मीद ना देने के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि वो बस उसका वेट करता ना रहे, इसी बात की वजह से उसने संसाओं को ऐसा बोल दिया था कि मैं उसके पास जा रही हूँ, ये जो थोड़ा सा झूठ भी था। और उसके बाद नानफिंग को अब ऐसा लगा एटलीस्ट कुछ ना होने से तो कुछ तो मिल रहा है ना, मतलब अगर जो सी है वो कुछ बख्तर नानफिंग के साथ रहने वाली है तो उस टाइम पे वो सोचता है कि तो यही मौका है, मैं उसको कोई भी पुरानी चीज़ें याद करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और उसे फिर से वापस नॉर्मल करूँगा और उसे मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। और वो सब कुछ सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, मतलब नानफिंग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सी के दिल में फिर से अपने लिए एक और जगह बनाने की, जो ऑब्वियसली संसार खो चुका था। और हमें दिखाया जाता है सी उसे लेके घर पे वापस आती है, और उसके बाद वह उसे बोलता है मैं दो चार दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तभी सी उसे बोलते मैं तो ठीक रहूँगी, तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो। तभी उसे बोलता है क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। सी कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद उसे ऐसे प्यार से हक करता है। सी को ये चीज़ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है लेकिन नानफिंग बहुत ज़्यादा खुश था। सो हम आप देखते हैं जो सी होती है अपने घर पे थी, वो अंदर जाती है, उसके बाद वो ऐसे बाहर से दिखती है छोटे से होल से जहाँ पर नानफिंग उसे बाहर ही वेट कर रहा था उसका, मतलब ये बंदा ना बिल्कुल गिव अप करने के मूड पे नहीं था। सी को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है, अंदर संसाओ था खा उसके लिए कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बना रहा था और वो बोल रहा था बने दो ना उसको तुम्हें क्या है। और तभी वो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, संसाओ को पता है ये लड़की क्या कर रही है और उसे ये भी पता है कि ये उसे लाइक तो करती है। एट टाइम वो उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि संसाओ के लिए कभी भी सी के ऊपर कोई भी प्रेशराइज करना उसके लिए कभी उसका प्यार था ही नहीं, बस वो बोलता है तुम जैसे कुछ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में सी कहीं गई रही ऐसे जा रही होती है, उसी टाइम पे उसका किडनैप हो गया, पता नहीं कौन मनुष्य था लेकिन उसे उठा लेता है। बाद में पता चला ये तो कोई और नहीं नानफिंग का अंकल था जो अब सी को तो जानता था, अभी वाली सी को नहीं बल्कि मतलब पहले से सी को जानता था और उसे पता है कि सी नानफिंग की गर्लफ्रेंड है और जो नानफिंग था उसने सारा बिजनेस अकेले लिया हुआ था और अंकल जी को अब वो बिजनेस चाहिए था, इसी बात की वजह से उसने सी को अगवा कर लिया हुआ था। और सी पहले तो उसे बताने की ट्राई करती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं तुम्हें नहीं जानती, नहीं मुझे मेरे पिछले कुछ सालों की मेमोरी याद थी, लेकिन अंकल जी नहीं सुनते और बोलते हैं ना जब शेर की मौत आती है तो उस टाइम पे शेर की तरफ जाता है, ऐसा ही कोई डायलॉग इसके लिए हुआ। नानफिंग को कॉल करता है और उसके बाद वो बोलता है अगर आप अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो जेल से आ जाओ और शेर की पेपर लेके आ जाना। नानफिंग को तो बड़ा गुस्सा आया और सी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जैसे वो लोग थोड़े से वक्त पूरे होते हैं उस टाइम पे सी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन बाहर जाने के बाद
एक गाड़ी उसे ठोक देती है और बाद में पता चला ये तो नंगफिंग की गाड़ी थी। नंगफिंग उसे लेके हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। हॉस्पिटल में उसका एडमिट हो इलाज चलता है और उसके बाद सी तो सो रही होती है और वहाँ पर सांसा आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे बोलता है, मैंने बोला था इसको हर्ट मत करो, अगर ये तुम्हारे पास आई थी तो उस टाइम पर भी तुम उसे अच्छे से नहीं रख पाए, एयरटेन तुम इसके लायक हो ही नहीं। ये सुनने के बाद नंगफिंग बोलता है मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी। तो विशांग क्या बोलता है पर मुझे करनी है, बाहर जाए, मैं सी के सामने कोई तमाशे क्रिएट करना नहीं चाहता। बाहर जाने के बाद दोनों पहले तो कुत्तों की तरह लड़ते हैं, सीरियसली कुत्तों की तरह ही था। और उसके बाद जो संसाओ था वो बोलता है मैं बहुत बाजाज दे रहा हूँ सी के कुछ के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सी नहीं चाहिए, बस मैं सी से प्यार करता हूँ। और अभी क्या कर रहा है ये सब, और तू बार बार सी को हर्ट कर रहा है, तेरे लोग हर्ट कर रहे हैं सी को, क्योंकि सी कभी भी तेरे साथ खुश थी नहीं, बस सी को तो इस्तेमाल करना जानता था अपने रिवेंज के लिए। आज भी वही हो रहा है, भले तू उसे हर्ट ना कर, लेकिन तेरे लोग उसे हर्ट कर रहे हैं बोल के उसे लड़ना होता है। और उसके बाद उसे बोलता है आगे से ये सब चीज़ बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा। और हम देखते हैं अंदर वाला सीन, यहाँ पर सी उससे फ्लैश बैक क्या आ गया, मतलब क्या उसका था इस बार, उसे सब कुछ याद आ गया। तो नंगफिंग उसके साइड पे होता है, सी अपने आँखें बोलती है, नंगफिंग उससे बोलता है तुम्हें हो सा क्या, तुम ठीक हो ना, सर्द तो नहीं हो रहा, अभी बेचारो डॉक्टर को बुला लूँ। सुनने के बाद सी उसे देखती है, बोलती है मुझे सब कुछ आता है, याद आ चुका है, तुम ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत है ना, फिर यहाँ से जाओ। नंगफिंग उसे बोलता है मेरी बात सुनने से, तभी उसे बोलते हैं बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, वो जो पानी दे रहा था उसको भी वो फेंकवाती है। और वो बोलती है मुझे ना तुम्हारी हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मुझे और उसके बाद नंगफिंग उसे बात करने की तो ट्राई कर ही रहा होता है, लेकिन इस टाइम पे से ही बिल्कुल भी उस बात उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती। बस वो ये बोलती है कि मैं एक बार वो गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाहती, मेरा मेमोरी लॉस हुआ था इसी बात की वजह से, शायद मैंने कुछ दिन तुम्हारे साथ गुजारा होगा, वो भी मेरी गलती थी, अब यहाँ से दफा हो जाओ बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। नंगफिंग को पता है वो अभी गुस्से में है, इसी बात की वजह से उसे बोलता है कोई बात नहीं तुम आराम करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा बोल के चला जाता है। उसके बाद संगसाव आता है, संगसाव आने के बाद वो उसे देखता है, बोलता है तुम ठीक हो ना, उसे नहीं पता कि सी को सब कुछ याद आ चुका है। तो सी उसे बोलते हैं मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मुझे समझ में आ नहीं रहा मैं इतनी बड़े बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, मैं उसे कैसे चांस दे सकती हूँ। तभी संगसाव बोलता है रिलैक्स, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे पता था तुम नॉर्मल हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे ऊपर प्रेशर किया नहीं। तभी सी उसे बोलती है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उन लोगों को मैं कैसे माफ करूँ जिन लोगों की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दी। इसे लिखा तो उसे बोलते हैं कि पर तुम ऐसी नहीं थी सी, तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर इंसान बदले की राह पे चलता है ना उस टाइम पे सबसे पहले खुद की चिता जलानी पड़ती है। ये सुनने के बाद सी बोलती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं इससे रहूंगी ना उस टाइम पे ये बंदा मुझे फिर से कोई पूरे सपनों की तरह हंट करता रहेगा, तो मुझे बाहर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। इसने कहा तो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बाहर। और उसके बाद जब तक वहाँ पर नंगफिंग आ चुका था तो सी और संगसाव वहाँ से निकल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन था। उसके बाद तो होता क्या है, अब 3-4 महीने तक सी बिल्कुल किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आती, और इवन जो सी होती है वो किसी के कॉन्टेक्ट में आती नहीं है। नंगफिंग तो पूरी तरह से पागल हो रहा था, उसे समझ में आ नहीं रहा था कि आसमान निकल गया है या फिर जमीन खा गई उसे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 महीने बाद जो सी थी उसे वापस आना पड़ता है। वापस आने का रीज़न ये था कि जो नंगफिंग था उसके दादाजी की मौत हो चुकी थी, तो बस पॉनल में आई हुई थी, और सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन के आई हुई थी, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद जो सी थी वो नंगफिंग को बोलती है आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, और उसके बाद वो जाने वाली थी और वो कुछ बोल नहीं पाता। और उसके बाद वो और संगसाव वहाँ से चले जाती है, और उसके बाद नंगफिंग को उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आप उसे रोक क्यों नहीं रहे हो, अगर आप चाहो तो मैं बात कर लूँगा उससे। ये सुनने के बाद नंगफिंग बोलता है अगर उसने ये चूज़ किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो बोल लेता है। तो अब आप लोग तमाशा देखना शुरू कर लीजिए, एक्चुअल में होता ऐसा है नंगफिंग जो था उसको अब इस लेवल तक जलाया जाता है ना वो तो देखने लायक था। दरअसल होता ऐसा है जो संगसाव था, संगसाव और सी दोनों मिलके अब प्लान बनाते हैं मीडिया के सामने ये अनाउंस करने का कि वो दोनों अब जल्द शादी करने वाले हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, और ये जल्दी रिलेशनशिप में बदलने वाला है। जो सुनने की बात तो सब लोग शॉक में आ जाते हैं, सब लोग उन दोनों को गुड विशेस देने लगते हैं, लेकिन नंगफिंग ये सब कुछ कैसे दे लेता। इवन जब पार्टी में सी गई हुई होती है तो जब वो अकेली होती है उस टाइम पर मौका पाकर उसके साथ बात करने की ट्राई करता है,
और उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि जो भी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह से तुम मेरे दुश्मन के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगा। तभी सीओ उसे बोलते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो उसे बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तभी सीओ उसे बोलती है, मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सिर्फ संस्थाओं से प्यार करती हूँ, उस बंदे से मैं क्यों नहीं प्यार करूँ जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह से पलट दी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लूजर को प्यार कर चुके, अपने आप को कभी सीधा आईने में देख पाऊंगी, बोल के उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सिलसिला थोड़ा लंबे समय तक चलता है। तो संशा और शीर दोनों होते ही एक्चुअली ये दोनों ऐसे प्यार वाला नहीं, बल्कि वो बस नंगफ्रेंग को थोड़ा सा दिक्कत में डालने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हाँ संशा की तरफ से थोड़ा सा हाँ था रियल। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो शीर होती है इंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है, उसी स्थान पे वहाँ पर आ जाता है नंगफ्रेंग, नंगफ्रेंग उसके साथ होता है और उसके बाद उसे हॉक करने लगता है। नंगफ्रेंग को एक तमाचे लगाती है, बोलती है यहाँ से तफा हो जाओ। तभी जो नंगफ्रेंग था वो बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं खोकर आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज सब मत करो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सी हंसती है, बोलती कि तुम्हें लगता है तुम मुझे डिजर्व करते हो, तुम किस हक से मुझे यहाँ पर डिजर्व करने की बातें बोल रहे हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी उस टाइम पे तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता कि वो मेरी बेवकूफ़ी थी, वो मेरी बदतमीजी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ सी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा वाला ड्रामा कर रहा होता है। सी उसे बोलती है, पर मुझे तुमसे घिन आती है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम जिस इंसान को प्यार करने से अच्छा है मैं ऐसे मर जाओ। वो उसे बोलता है, तुम क्या मुझे सच्ची में एक भी चांस दे सकती। तभी सी बोलते कि हर किस नहीं, मैं उस बंदे को चांस नहीं दे सकती जो मेरे बच्चे का बाप भी था और उसी ने मेरे बच्चे को मारा था, और मैं अपने बच्चे के लिए तो माफ़ कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को तो दोबारा बेबी तो बाद में हो जाएगा, लेकिन। और उसके बाद वो बोलती है, बस मैं तुमसे एक बात बोलूंगी, अगर तुम कर पाओ तो उस टाइम पे मैं तुम्हें माफ़ी भी कर दूंगी और मैं अपनी लाइफ में तुम्हें फिर से दोबारा शामिल करूंगी। नंगफ्रेंग बोलता है, बताओ मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तभी सी उसे बोलती है, मेरी मरी हुई माँ को वापस ला सकते हो। वो तो चुप हो जाता है, अब नहीं हो सकता ना ये चीज़। तो उसके बाद सी बोलती है, यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे डर वापस आऊँगी ना उस टाइम पे मैं तुम्हें तबाह करने के लिए आऊँगी, तुम्हारी लाइफ को सही करने के लिए तो हर किस नहीं, क्योंकि तुम वो सब कुछ डिजर्व नहीं करती, अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं चिल्ला लूँगी। तभी उसे ऐसे के धमकाने लगता है कि अगर यहाँ पर किसी को पता चलेगा कि समझाओ कि फियांसी ये सब कुछ कर रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, तो तब क्या होगा, बोल के उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी पे उतर आता है। गंदा वाला था ये, तो आप लोग ना थोड़ा रुक के उसे तमाचा लगा सकते हो, इतना घटिया था। और शी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बाहर से सब लोग आवाज़ लगा रहे होते हैं। और उसके बाद इवन ये बातें बनने लगती है कि ये तो उसकी फियांसी और किसी और के साथ क्या कर रही है अंदर रूम में, उनको पता नहीं था क्या चल रहा है। एंड देन सी अब घबरा जाती है, वो उसे बोलता है, अगर तुम मेरे साथ वापस आने के लिए मान गई ना उस टाइम पे मैं अभी बाहर जाके सब कुछ संभाल लूँगा। सी डर जाती है, वो बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी समझा वो इन सब में इन्वॉल्व मत करो, वो ये सबको डिजर्व नहीं करता। ये सुनने के बाद वो चुप होता है और उसके बाद वो जो सी होती है उसको बोलता है, मैं बाहर जाके सब कुछ संभाल लूँगा, तुम ऐसी बिल्कुल भी हिलना मत जब तक मैं वापस ना हो, बोल के बाहर जाता है और उसके बाद सबको वहाँ से रफा दफा करवा देता है। हिंदी नाम देखते हैं सी, और कुछ दिनों तक जो नंगफ्रेंग था उसके साथ रहने लग जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था संशाओ के लिए, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने कहा ना हमेशा की तरह जो संशा होता है वो कभी भी सी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता, तो ऐसे भी हिंदू ने तो प्रिटेंड किया हुआ था ना प्यार में होने का ताकि नंगफ्रेंग को परेशान कर सके, तो वही यहाँ पर होता है और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। और जो वो था थोड़ा शैर तो था, लेकिन हाँ सी को उस जाने देता है। बाद में हमें पता चला जो सी थी उसके घर में इसलिए गई थी ताकि वो अपनी मॉम की मौत का रीज़न पता कर सके। और यहाँ पर जाने के बाद जब नंगफ्रेंग को पता चला तो उसके बाद उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, गुस्सा भी करता है जिस तरह से हमेशा से वो गुस्सा करता था। सी उसे एक का तमाचा लगाती है और बोलती है, एक बात क्लियरली सुनो, कभी भी ना तुम मुझे इस सब कुछ करके कभी खुश कर नहीं पाओगे। और उसके बाद वो उसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मैटरलिस्टिक चीज़ें मुझसे खुश करेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद वो बोलती है, तुम्हारा जो प्यार है ना सोकर प्यार, मुझे हमेशा तकलीफ देता है, हमेशा मुझे ऐसे
बेचैनी में रखता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए, या फिर मेरी जान चली जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। जो तुम करते रहते हो ना, मुझे डर लगता है तुम्हारे प्यार से। इसीलिए ना मुझे उससे दिखावा करना बंद करो और कभी भी मेरे आसपास मत आना। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद उससे बोलती है, मैं तुमसे सिर्फ नफरत कर सकती हूँ, प्यार हर किसी नहीं, ऐसा वो बोल देती है। लेकिन नामफ्रिंग ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, मतलब हो ही नहीं रहा था कि किसी उससे नफरत कर सकती है। ये चीज़ ऐसे हो पाई इसी बात की वजह से। वो इस बार भी अपने आप को झूठी तसल्ली देके सीही से दूर आ जाने के बहाने ढूंढ रहा होता है। सो हम अब देखते हैं अगले वाले सीन में, जो सीही होती है उसको नांगफेंग एक जगह पे लेके चला जाता है। ये कोई ऐसा लग रहा था कि वेयर हाउस जैसा एरिया है, बाद में पता चला यहाँ पर लियांग को बांध के रखा गया था। तो ये था हमारा आखिरी सीन, मतलब अब ट्रूथ तो रिवील होना ही है ना। तो दरअसल क्या था ना, यहाँ पर उसने लियांग को ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ था। लियांग को उस पर पहले से ही डाउट था लियांग के ऊपर, तो नांगफेंग को, और उसके बाद वो उसे बोलता है सच बको, और उसके बाद वो अपने ईगो और घमंड में ये बता देते हैं, हाँ तुम्हारी माँ को मैंने मारा है, मैंने गाड़ी से कुचल दिया था। जो सुन के तो जो हमारी श्री है वो तो शौक पे आ जाती है, वो रोने लग जाती है। वो बोलते हैं मेरी माँ क्या गलती थी, तुम्हें जो भी कुलनस थी, जो भी प्रॉब्लम थी मुझसे थी ना, तो मेरे साथ करती, मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कितने हक दिया, बोल के वो रो रही होती है। और वो बोलते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जो लियांग होती है वो बोलती है मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे नफरत है उन लोगों से जिसको नांगफेंग लाइक करता है, मैं उसे बचपन से लाइक करती थी, फिर भी मेरा कुछ चांस नहीं बना। और तुम्हारे माँ बाप की वजह से, तुम्हारे बाप की वजह से इसकी फैमिली तबाह हो गई, फिर भी इसे तुम पसंद हो, इस चीज को मैं कैसे जान लेती, बोल के अपना असली रंग दिखा रही होती है। और उसके बाद सी तो बहुत रो रही थी, वो बोल रही थी मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कहीं किन्दे छोड़ के, बोल के रो रही होती है। और उसके बाद जो हमारा बंदा था नांगफेंग उसे बोलता है अब तुम्हें सच पता चल चुका है तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था, और उसमें किसी का कोई मतलब हमारा तो हाथ नहीं था। और तभी जो लियांग थी वो हंसती है, बोलते कि एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो बड़े घमंड से कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं था इसकी माँ की मौत के पीछे, लेकिन एक बात बताओ, जो बंदी अपनी माँ को लेकर भाग रही थी ना, सिर चोड़ के जा रही थी, उसको उठा के कौन लेके आया था, भूल गए, ऐसा वो बोलती है। तो कहीं ना कहीं तो सच था ना। और उसके बाद वो हंसने लगती है और वो बोलते है कि तुम ये चीज कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम भूल गए तुमने क्या किया हुआ था। और वो हंसने लगती है और वो बोलती है अगर उस दिन तुम सी की माँ को वापस लेके ना आते और इस तरह से जानवरों की तरह कैद ना करते ना, उस समय पे शायद उसकी माँ जिंदा होती। मैंने तो जो किया वो मेरे ईगो में आके किया, मैंने अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैंने कर दिया और मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे इस लड़की के आंखों में आंसू दिखने थे और तुम दोनों को अलग करना था, मैंने कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी तो वही किया हुआ है ना, डायरेक्टली तुमने उनको नहीं मारा है, लेकिन तुम भी इतने जिम्मेदार हो उसकी मौत के पीछे जितना मैं हूँ, ऐसा वो बोल के हंसने लग जाती है। और उसके बाद नांगफेंग बोलता है बकवास बंद करो, और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। एंड में हम देखते हैं जो नांगफेंग था उस सी को कुछ बोलने वाला था, सी उसे बोलती है तुम्हें याद है मैंने बोला था तुम तो मेरे साथ कुछ भी करो मैं माफ कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन बाई चांस मेरी माँ के साथ कुछ भी हो गया, अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर दिया उस टाइम पे मैं तुम्हें पूरी लाइफ में अप्लाई कर पाऊंगी। मुबारक हो, आज तुमने वही किया जो मैंने हमेशा करने के लिए मना किया हुआ था, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। तुमने मेरी माँ को डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन तुम ही जिम्मेदार हो मेरी माँ के मौत के पीछे, और मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है आज के बाद तुम और मैं कभी एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। और ये मत सोचना कि मैं कोई ऐसी घमंड में आके बोल रही हूँ, जो बंदा मेरी माँ को रिस्पेक्ट ना दे सका वो मेरा क्या लाइफ पार्टनर बनेगा। पहले ही मेरे पापा की वजह से तुम्हारी जो माँ पापा है उनकी मौत हुई थी, लेकिन उसके बदले तुम बहुत कुछ ले चुके हो मुझसे, मेरी क्या गलती थी, लेकिन सबसे ज्यादा तुमने मुझे तड़पाया है, मुझे बरसाया है, ऐसा वो बोलती है। और कहीं ना कहीं ये चीज सच था। और उसके बाद से ही बोलती है जब तक मैं और तुम आसपास रहेंगे या फिर तुम मेरे आसपास भी रहोगे ना, उस समय पे होगा ऐसा है कि कुछ ना कुछ करके मुझे हर्ट करने के लिए लोग आएंगे, और मैं तुम्हें ना जब भी देखूंगी मेरी माँ की याद आएगी मुझे, ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, बोल के वहाँ से चल जाती है। एट द एंड को समझ में आता है इसने सी को खो दिया और वो चिल्लाता ही रह जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं सी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर बाहर आ जाती है, तो उसी समय पर दिखाया जाता है शमशा वहाँ पर गाड़ी लेके बैठा हुआ था,
और संसार से बोलता है हो गया फाइनली आप चले। ये सिंधी की वैसी बोलती है तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगी। ये सिंधी की वैसा ही बोलता है मैंने बोला ना मुझे तुम पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है तुम कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगी और मेरा क्या है मैं तो पूरी रात तुम्हारा वेट कर ही लूंगा ना। ऐसे भी अपनी मन पसंदीदा औरत को इंतजार करने का ना अलग ही मजा होता है। ऐसे मैरिड होने से कोई जिसको लाइक ही नहीं करते उसके साथ मैरिड होने से ऐसा बोलता है सी बोलते हैं चलो कोई बात नहीं आज चलते हैं साथ में। तो एंडेन शायद हो सकता है ये दोनों साथ हो गए दोनों काफ़ी प्यारे स्मेल दे रहे होते हैं और इसी तरह से हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। कैसे लगा गाइस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। आई लव दिस स्टोरी उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। एक्चुअली इस ड्रामे की जो फैमिली थी मेरी तो फेवरेट है इसीलिए मैंने इस ड्रामे को चूज़ किया था। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं आपको लोगों के साथ एक और नए ड्रामे के साथ मिलूंगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर